मुंडकट्टा भूत, एक ऐसा भूत जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन में रहता है। ये आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाता है और उनके पूरे परिवार की जिंदगी हराम कर देता है। दोस्तों, मुंडकट्टा भूत की सच्ची कहानी ब्लडी टैक्स से आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए जी। आप लोगों को ये पूरी की पूरी कहानी बताएगी कि किस लड़के के साथ ये कहानी घटी जिसने हमको इंस्टाग्राम पे ये पूरा लिख भेजा। तो जी आप बताओ, किसके साथ कब क्या हुआ, ये मुंडकट्टा भूत है कौन? ये एक्चुअली जिसने कहानी लिख के भेजा है उसका नाम तुषार है, लेकिन उसके साथ ये घटना नहीं घटी थी। उसके ही गांव में रहने वाले एक आदमी थे जिनका नाम श्याम था। अच्छा। उनके साथ ये घटना घटी थी। और जो बेसिकली मैं बताती हूँ, उसने जैसा एक्सप्लेन किया है, मुंडकट्टा भूत उनके ही मतलब लखनऊ में एक छोटा सा गांव है जहाँ का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मुंडकट्टा भूत घूमता रहता है रात के टाइम में और लोगों को हॉन्ट करता है। और एक बार भी अगर आप उसके चंगुल में आ गए तो बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आपको ही हार्म नहीं करता, आपके पूरे खानदान को खत्म कर देता है। पूरे खानदान को इतना ज्यादा खतरनाक भूत है वो। और मानते हैं वहाँ के लोग कि वो जो भूत है वो ट्रेन से कटने की, उसका सिर कटने की वजह से वो मुंडकट्टा भूत बना है। जैसा सिरकट्टे भूत होते ना, उस टाइप से उसको मुंडकट्टा भूत वहाँ पे बोलते हैं। बड़े स्कैरी स्टोरी लग रही है आगे। हाँ, तो स्टेशन पे लोग मानते हैं कि रात के टाइम में घूमता है उस पर्टिकुलर स्टेशन पे वहाँ पे। तो एक आदमी थे जिनका नाम श्याम था, उस गांव के रहने वाले थे वो। मतलब कहीं पे लखनऊ से बाहर अपने काम के लिए कहीं गए हुए थे। एक दिन रात के टाइम में वो वहाँ पे वापस आ रहे थे अपने गाँव में। उनकी जो ट्रेन थी लखनऊ वाली ट्रेन थी, लेकिन उनके स्टेशन पे जहाँ पे उनका गांव था और छोटा स्टेशन था, वहाँ पे ट्रेन रुकती थी। लेकिन जब ट्रेन रुकी वहाँ पे तो रात के 1 बज रहे थे। रात के 1 बजे वहाँ पे ट्रेन रुकती है। और बहुत लोगों को पता होगा, तुमको भी पता होगा, जो छोटे मोटे गाँव होते, बहुत छोटे गाँव, वहाँ पे इतने रात तक कोई नहीं जाग रहा होता है। रात के 1 बजे तक कोई नहीं जाग रहा होता है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो उनका घर था वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ट्रेन 2-3 घंटे लेट थी जिसकी वजह से 1 बजे मुझे यहाँ पे छोड़ी है, मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ। लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे गाँव के इस स्टेशन पे मुंडकट्टा भूत घूमता है और जो पहले भी बहुत लोगों को हॉन्ट कर चुका है और बहुत सारे लोगों ने उसको देखे हैं, जिन्होंने सिर्फ देखे मात्र ही हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं सिर्फ देखने से। इतना ज्यादा खौफनाक है वो, छपरी भूत जैसा। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक था वो। तो सब मतलब उनको थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं डरूंगा तो जो चीजें होती है मेरे ऊपर हावी होने स्टार्ट हो जाएंगी। मैं नहीं डरूंगा, मेरा घर इतना भी दूर नहीं है, मैं पैदल आराम से चला जाऊंगा। 1.5-2 किलोमीटर लोग पैदल चल लेते हैं गांव में, तो लोग 3-4 किलोमीटर दूर भी पैदल जाते हैं अपने गांव में। तो वो ये जो घटना है आज से 8-10 साल पहले की घटना है। अच्छा। तो वो टाइम पे तो और भी स्टेशन वगैरह थोड़े और छोटे हुआ करते थे। तो वो टाइम पे वो सोचते ही मैं निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। वो स्टेशन ट्रेन से उतरते हैं और स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, उनको जो टिकट काउंटर होता है ना, उधर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। जैसा कि मतलब कोई बकरा से मैं ऐसा करता है, बहुत दर्द में करता है, वैसे टाइप आवाज आने लगती है। और किसी के बहुत गंदे घुर्राने की, राक्षस जैसी आवाज नहीं निकालता है कोई, मान लो वैसी वाली आवाज आती है। उनको समझ में नहीं आता है कि बकरा ऐसा क्यों चिल्ला रहा है, और ये जो दूसरी आवाज आ रही है बहुत खौफनाक लग रही है, आखिर ये आवाज है तो है किसकी, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सोचते हैं मैं जाके देखूं क्या, छुप के धीरे से। अब वो भूल चुके थे कि यहाँ पे मुंडकट्टे भूत का कुछ दहशत या कुछ है, उनके दिमाग में सिर्फ चल रहा था कि बकरी वहाँ पे क्यों रो रही है। वैसे उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था, उनको लग रहा था कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुत्ते लोग बकरी पर अटैक तो नहीं कर दिए हैं कुछ, मतलब या बकरी कहीं फंस तो नहीं गई है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा डाउट लगता है। सोचते हैं कि मुझे जाके बकरी को बचा लेना चाहिए। वो टिकट काउंटर इधर जाने ही वाले होते हैं, वो जो एक दीवार था उसके अंदर गेट था, उस मतलब वहां से टिकट काउंटर अंदर जाना था। वो अभी ऐसे जाके से देखते ही हैं, जो मंजर वहां का था बहुत ज्यादा खौफनाक था। वो ऐसा छुप के देख ही रहे होते हैं, उनको दिखाई देता है एक आदमी, जिस आदमी का यहाँ से था ही नहीं, यहाँ से मुंडी था ही नहीं उसका, उसका सिर्फ शरीर था। और जो उसने कपड़े पहन के रखे थे वो बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने के और अजीब से कपड़े दिखाई दे रहे थे। बहुत ही मतलब बोलते ना, खौफनाक दिखाई दे रहा था।
और जो वो आदमी था वो बकरी के ऊपर चाकू से लगातार खाच 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 जैसे वार कर रहा था। असली की बकरी थी मतलब? असली की बकरी थी, उसके ऊपर ऐसे वार कर रहा था। वो जो मंजर देखते हैं श्याम जी, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, उनके मुंह से चीख निकल जाती है। अब कोई किसी को ऐसे खच 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 मारा तो चीख तो निकलेगी ही। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं, उनके मुंह से चीख निकलती है। जब चीख निकलती है तो जो इंसान उस बकरी को मार रहा था वो ऐसे मुड़ जाता है, सिर तो था नहीं लेकिन अपने बॉडी से ऐसे मुड़ जाता है। वो देखते हैं कि वो मेरी तरह मुड़ चुका है। उनको समझ में आ जाता है कि भाई हो ना हो मुंडकट्टा भूत यही है और उसने मुझे देख लिया है। अगर मैं यहाँ से तुरंत नहीं निकला तो शायद मेरी मौत तो यहाँ पे तय है, मैं नहीं बच पाऊंगा। कुछ भी हो सकता है। जो मतलब उनको सिर्फ देख मात्र लेते हैं, जो उनके साथ इतनी प्रॉब्लम होती है, उसने तो मुझे देख लिया है, ऊपर से ऐसी हरकत कर रहा था और मैंने उसको देखा और मैं चिल्ला दिया। वो वहां से बहुत स्पीड में भागते हैं, बहुत स्पीड बिना पीछे मुड़े भागते हैं, बहुत स्पीड भागते हैं। उनको एक दो बार फील होता है कि मेरे पीछे शायद कोई मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। ये सबसे अच्छा काम करते हैं वो, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। भागते 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 1.5-2 किलोमीटर गांव था, वो अपने घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते पूरा पसीना पसीना हो चुके थे। घर पे पहुंचने के बाद अपनी फैमिली वालों को ये बात बताते हैं कि मेरा सामना आज मुंडकट्टे भूत से हुआ है और मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, लेकिन तुम लोग अपना ख्याल रखना। वो बहुत घबराए हुए थे, ऐसी सी बात करने लगते हैं तो घर वाले उनको शांत कराते हैं। बोलते हैं देखो आप घर पे आ गए हो अभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और घर पे ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता। आप मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम कल तक चल के किसी ना किसी को दिखा देंगे, अगर कुछ गड़बड़ समझ में आई बॉडी में तो हम दिखा देंगे किसी ना किसी को चल के। तो वो ये बात सुनते हैं और खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। सबको लगता है कि देखे तो हैं लेकिन इनके शरीर पे ऐसा कुछ आया नहीं है, वो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं या पोजेस नहीं किया है। और एक दिन और बीत जाता है, तब भी वो नॉर्मल थे बिल्कुल। उनको ना उनकी तबीयत खराब हुई थी, ना उनको कुछ ऐसे मतलब उनके बॉडी में लग रहा था कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन सीधा 2 दिन बाद वो बहुत अजीबोगरीब हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं, पोजेस हो गए बुरी तरह से। फिर बहुत मतलब ऐसा वो करते थे ना कि बिल्कुल मतलब कि खाना पीना तो खा ही नहीं रहे थे, ऊपर से वो 2 दिन के अंदर ऐसा लग रहा था उनके बॉडी से किसी ने पूरा खून चूस लिया है। ऐसी उनकी हालत हो गई थी, एकदम सूख चुके जैसे 2 दिन में। ऐसी उनकी हालत हो गई थी, बिना मतलब कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या गाना गाते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। दिन भर गाली देते थे घर वालों पर, मतलब मारने के लिए उनको खाने के लिए दौड़ते थे घर वालों को। ऐसी ऐसी हरकत करने लगे थे। एक दिन तो रात में हद ही हो गई, वो रात में ऐसे अपने घर पे थे सो रहे थे, अचानक से घर से निकलते हैं और घर वाले अब समझ चुके थे कि इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा दूर रहते थे कि वो अचानक से अटैक ना कर दें। वो 1 बजे रात में घर से निकलते हैं और उनके घर के पास में एक बरगद का पेड़ था जिसपे चढ़ते हैं और ऐसे उल्टा लटक जाते हैं। ऐसे जाके उल्टा लटक जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, लटके रहते हैं। वो सुबह तक वहीं पर लटके रहते हैं। उनके घर वाले देखते हैं कि ये मतलब पीछा करता है उनके घर पे कोई, उनके घर पे जो होगा पीछा करता है, जाके देखता है कि बरगद पेड़ पे लटके हैं। लेकिन वो इतने रात में उनको कुछ बोलना सही नहीं समझता उनका घर का बंदा। अच्छा, तो छोड़ के चले जाता लटके लटके वहीं पे बैठ के देखते हैं और भी घर वालों को बुला के लाते हैं। वो लोग वेट करते हैं खुद से उतरे, क्योंकि वो आक्रामक हो जाते थे, मारने के लिए कुछ भी दौड़ते थे और उनके अंदर अचानक से पता नहीं कैसे इतनी ताकत आती थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पे वेट करते हैं, फिर सुबह सुबह वो लोग उनको वो पता नहीं कैसे अचानक से होश में आते हैं, क्या होता है, फिर उनको घर पे लेके आते हैं। ये जो उनकी हरकतें थी ना रात के टाइम में ज्यादा बढ़ जाती थी। तो उसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि हमको किसी ना किसी को दिखाना ही चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए, लेकिन वो उनको बाहर लेके जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनको पकड़ के हम किसी को दिखाने के लिए लेके जाएं, क्योंकि वो बहुत आक्रामक हमेशा वैसे ही रहते थे। तो एक दिन क्या होते है, रात में जो लटके थे उसके 1 दिन बाद वाले रात में घर वाले क्या पाते हैं कि खाना वाने खा रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि किसी के गाना गाने की आवाज आती है। यही 10:30-11 बजे के बाद थी। वो सब बहुत टेंशन में रहते थे, किसी का खाना पीना भी टाइम पे नहीं होता था, कुछ नहीं, एकदम टेंशन में रहते सब लोग। किसी गाना गाने की आवाज आती है, उनमें से जो श्याम जी थी उनकी माँ जाती है तो क्या देखती है, जो उनकी सीढ़ी थी वहां पे वो ऐसे लेटे हुए हैं और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, एकदम भारी लैंग्वेज में
पता नहीं कौन सी भाषा के गाना गा रहे हैं, भारी लैंग्वेज में, भारी लैंग्वेज जैसे दो इंसान नहीं गाते साथ में वैसी वाली लैंग्वेज में, भारी आवाज में, भारी आवाज में। हाँ, जैसे कि मान लो तुम और मेरी, जैसे तुम्हारी और कोई और आदमी की आवाज मिक्स हो जाए वैसी आवाज में, तो वैसे कोई गाना गा रहे हैं समझ में नहीं आता है क्या करे। उनको उनकी माँ जाती है बोलने के लिए, श्याम बेटा क्या हुआ चलो चलो, तो ये सब गुस्से में ऐसा देखते हैं और ऐसा झटका मारते हैं, बोलते हैं निकल जा यहाँ से नहीं तेरे को अभी कच्चा चबा जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और सब लोग खुद को रूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको पता था कि जब रात में बिगड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम में से किसी ना किसी की मौत तो हो ही जाएगी। सोचते हैं कि अब सुबह कल सुबह हमको किसी ना किसी तांत्रिक बाबा बुला के लाना पड़ेगा, इनको लेके तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तो सुबह सुबह जाते इनके घर वाले, एक तांत्रिक बाबा बुला के लाते हैं, तांत्रिक बाबा देखते से ही पीछे हट जाते हैं। क्यों? बोलते हैं कि इसको मैं नहीं बचा सकता, बोलते हैं जो शैतान इसके ऊपर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि मैं उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मैं उसको कंट्रोल, जो कुछ भी कर सकता है ये आदमी खुद ही कर सकता है, जैसे श्याम जी थे वो खुद कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं अगर चाहें वो तो, और कोई नहीं बचा सकता। और ये सबसे पहले श्याम जी को मारेगा, उसके बाद पूरी फैमिली को मारेगा, खत्म कर देगा सबको, इतना खतरनाक शैतान इसके ऊपर है, ऐसा बताते हैं तांत्रिक बाबा। बोलते हैं कुछ जल वल छिड़कते हैं और बोलते हैं कि देखो चार दिन बाद अमावस्या की रात है, उस दिन जो अमावस्या की रात है उस दिन मैं कुछ रिचुअल बता रहा हूँ करने के लिए, अगर कर दिया तो शायद बचने का चांस है, अगर नहीं कर पाए मैं साथ में नहीं आऊँगा, पहले बता रहा हूँ, अगर नहीं कर पाए तो नहीं बच सकते, श्याम जी को तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, ऐसा वाला बोल देते हैं। तो पूछते हैं क्या उपाय, आप कुछ बताओ क्या रिचुअल करना है, तो बोलते हैं कि कुछ 2-3 किलो मांस और यही दारू लेके जाना है, और जहाँ पे आखिरी बार इन्होंने शैतान को देखा था स्टेशन पे रात के 12:30 बजे करीब, वहाँ पे रख के आना है। उसका तो मुंह भी नहीं, वो खाएगा कैसे, ऐसा बोलते हैं वो कि लेके रख के आना है। शैतानी शक्तियां वैसी ही होती हैं, उनका क्या मालूम। तो वो बोलते हैं कि उन थोड़ा बहुत होश में, जब झाड़ फूक थोड़ा किया थोड़ा बहुत होश में कभी कभी आते थे, तो घर वाले से बोलते हैं कि आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा और मैं भी नहीं जाऊंगा, इनको अकेले ही जाना पड़ेगा। वो खुद जाएंगे? हाँ, अकेले जाएंगे और वहाँ पे रख के आएंगे। बड़ा खतरनाक भी तो टास्क, बहुत खतरनाक, लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पे जाना और रख के आना। वो जो शैतान है बार बार आपको अपने चंगुल में लेने की कोशिश करेगा, बार बार आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि आप मतलब वहां तक ना पहुंचो। अगर वहां पे आप पहुंच भी गए, अगर आपने वहां पे रख भी दिया तो आप पीछे मुड़ के मत देखना, अगर आप वहां पे सामान रखे और पीछे मुड़ के देख लिए तो वापस से उसके वश में हो जाओगे, ऐसा वाला था। तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम ऐसा कुछ करते हैं। उनके घर से ज्यादा दूर था ना स्टेशन, 1.5-2 किलोमीटर दूर था। तो उस दिन रात, जो रात अदे अमावस्या की, उस दिन वो लेके जाते हैं वहाँ पे। जब लेके जा रहे होते ना, उनको अजीबोगरीब बहुत ही गंदी अजीबोगरीब आवाज़ आती है, जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई बहुत दर्द में करा रहा है, उनके घर वाले दर्द में करा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आती थी उनको। मतलब वो उनको वश में करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो उसके बाद क्या करते, कैसे कैसे बचाते हैं खुद को, और वहाँ पे जो भी मांस था जो भी दारू था वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से वापस लौटने लगते हैं बिना पीछे मुड़े। तभी उन्हें अचानक से उनके माँ की रोने की आवाज़ आती है पीछे से, पलट जाएंगे। हाँ, जब माँ की रोने की आवाज़ आती है वो पलट के देखते हैं, मालूम था। हाँ, जब वो पलट के देखते हैं उनको दिखाई देता है वही शैतान। वो जो शैतान दिखाई देता है उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वहां से वो भागना स्टार्ट करते हैं, बहुत स्पीड में भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते कैसे भी वो घर पे आते हैं और घर के दरवाजे के पास आते, जब घर का दरवाजा खोलते हैं घर वाले, वो सिर्फ एक वर्ड ही बोलते हैं कि उसने मुझे देख लिया वापस से, और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि इनको हम बचाने के लिए भेजे थे और आज के दिन ही वो इनको खा गया। उससे अच्छा नहीं भेजे होते, सोचते नहीं भेजे होते तो भी धीरे धीरे मर ही जाते, क्योंकि वो तांत्रिक बाण बताया था इनका खून चूस रहा है धीरे धीरे, वो इनको कमजोर कर रहा है। इनको कमजोर करने के बाद पूरी फैमिली के ऊपर करेगा, पूरी फैमिली को मार डालेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा डरावनी कहानी थी, और जो उनके साथ उनके घर के साथ हुआ था पूरे गांव में सबको पता चला, और पूरे गांव के लोग दहल से गए थे कि मतलब रात के टाइम में वहां पर ट्रेवल करने के, शाम के टाइम में वहां जाना छोड़ दिया लोगों ने, अकेले जाना तो बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे ऐसी घटना घटती है। अभी भी शायद कभी कभी घटना घटती है, आज से 10 साल पुरानी घटना है लेकिन अभी भी शायद वहां पे घटती है। लेकिन बहुत बड़े मंदिर में गए, पूजा पाठ करवाए घर वालों ने,
तो घर का और कोई सदस्य नहीं मरा, उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन श्याम जी आज इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुनकट्टे भूत की वजह से। अरे ये तो बड़ा ही, जिसके साथ घटा होगा उनके परिवार वालों को क्या फील हुआ होगा, सोचो वही तो, तुम सोचो तो वही इमेजिन कर रहा था, मेरे को तो ऐसा रियल जैसे ऐसा आंखों के सामने चल रहा था मेरे सब कुछ, कितना डरावना मंजर क्रिएट होता रहा होगा, और फिर आखिरकार नहीं बचा पाए परिवार वाले उनकी जान। वही तो, जिसका जाना होता है ना, कुछ कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां होती है जिससे आप चाह के भी नहीं बच सकते, जैसे बहुत सारी फिल्में बनी है जैसे कि बहुत शैतानी शक्तियां होती हैं जिनका कोई कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं होता। एमिली रोज वाली है, और भी एक दो थी जो वेरोनिका थी, वो भी नहीं बच पाई। बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जैसे, खैर इससे याद आया, अगर आप लोगों को कोई ऐसी फिल्म मालूम है वेरोनिका और एमिली रोज जैसी, हाँ। तो हम लोगों को सजेस्ट करो ना कमेंट सेक्शन में यार, बहुत टाइम हो गया है कोई अच्छी ऐसी नहीं देखा डरावनी हॉरर फिल्म देखे, प्लीज बॉलीवुड मत बताना, बॉलीवुड का मन नहीं करता, बॉलीवुड नहीं देखना, हाँ। देखना ही नहीं है, हाँ। कुछ ऐसा हॉलीवुड बताओ या टर्किश फिल्म में बताओ, हाँ। तो कुछ इंटरेस्ट आए, मजा आए, हाँ। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।